Hey guys, welcome back to a new video again. और आज हमारे पास है रीगर का वायरलेस चार्जिंग। बात करें प्रोडक्ट की तो आर्क 500 मॉडल है, टाइप सी वाला, और इसको जब आप लगाते हो तो लाइफ जंगल वाला हो जाती है बिल्कुल। कैसा, मतलब एक बहुत आलस वाला काम होता है फोन के अंदर अपना केबल घुसाना निकालना। मतलब तो ये कैसा है भाई, इसके ऊपर आपको सिर्फ फोन रखना है और फोन ऑटोमेटिक चार्ज करना स्टार्ट हो जाएगा, विच इज कॉल्ड वायरलेस चार्जिंग। लेट्स गो, अनबॉक्स करते हैं इसको एंड चेक इट आउट। वायरलेस चार्जर को अनबॉक्स कर लेते हैं यहाँ पे। तो इसके अंदर सबसे पहले आपको मिल जाता है एक फोन रिमोट, एक एप्पल रिमोट, एक केला, एक संतरा और एक आईफोन। सॉरी ज्यादा हो गया। वेल, कॉम्पेटिबिलिटी की बात कर लें तो ये काफ़ी सारे फोन्स के साथ कॉम्पेटिबल है। कुछ फोन्स यहाँ पे लिखे हुए हैं लाइक LG, सैमसंग, आईफोन, जो भी QI इनेबल फोन्स होते हैं उनके साथ। सो यहाँ पे आपको मिल जाता है USB to Type-C चार्जर और 10 वाट का वायरलेस चार्जर। इसके अलावा कुछ यहाँ पे मैनुअल्स मिल जाते हैं और हाउ टू ऑपरेट, और इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। जो भी अंदर है वो मैंने दिखा दिया यहाँ पे, वो सेम चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। सो यहाँ पे टाइप सी जैक आ जाता है आपका, जिसको कनेक्ट करना है। तो ये हमने यहाँ पे प्लग कर लिया एंड वी आर रेडी टू गो। ये USB आपको लगाना है आपके अडेप्टर के अंदर। सो अडेप्टर यहाँ पे बॉक्स के साथ नहीं आता, इतनी चीज़ें मिलती है काफ़ी हैं। तो फिर अडेप्टर आपके पास पुराना होगा आपके फ़ोन का, आपको सेम यूज़ में लेना पड़ेगा। और कोशिश करो आप यहाँ पे पावरफुल अडेप्टर्स आप यूज़ करो, सो दैट की आपकी जो चार्जिंग है वो फास्ट हो। और अब इसको कर लेते हैं टेस्ट। वैसे सर, चार्जर का साइज़ काफ़ी छोटा है और मतलब दिखने में काफ़ी प्यारा सा है। इन्होंने ऊपर यहाँ पे रबर का बैंड दे रखा है, जिससे जो फ़ोन है आपका स्लिप नहीं होगा इसके ऊपर, सिंपली ये देखो। उसके बाद पीछे भी बैंड है यहाँ पे, तो अगर आप इसको सरफेस पे रखते भी हो तो इन दैट केस ऑल्सो ये जल्दी स्लिप नहीं होगा। ओके, तो ग्रिपिंग वगैरह वाइज काफ़ी अच्छा है ये। ओके, तो फ़ोन को यहाँ पर रख लेते हैं एंड हेयर वी गो। चार्जर के चारों तरफ एक ग्रीन कलर का इंडिकेटर आ जाता है, विच टेल्स की वही चार्जिंग यहाँ पे ऑन हो चुकी है। और ये 15 सेकंड के लिए होता है इंडिकेट करके, ये ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। तो वेट कर लेते हैं इसके बंद होने का। हो गया, मतलब अगर आप अडेप्टर से फोन को डायरेक्ट कनेक्ट करते हो तो ये काफ़ी फास्ट होता है कंपेयर टू दिस, ये स्लो होगा। बट वायरलेस है तो यहाँ पे काफ़ी हीट लॉस होता है, बिकॉज फोन यहाँ पे हीट वगैरह हो जाता है। बट आप ये मत सोचना कि फोन वहाँ पे डैमेज होगा, जो एनर्जी है वो हीट की फॉर्म में यहाँ पे डिसिपेट हो जाती है, खो जाती है, इसलिए जो चार्जिंग कैपेबिलिटी है वो थोड़ी स्लो हो जाती है। बट काफ़ी ईज हो जाता है, काफ़ी आराम हो जाता है, बिकॉज आपको कोई भी प्लग एंड प्ले वाला काम नहीं करना। सिंपल, आप कहीं से भी आए, फ़ोन उठाया और ऐसे रखा एंड हेयर योर फोन स्टार्ट्स चार्जिंग। दूसरा फोन रख के देख लेते हैं, हेयर गोज। तो बेस्ट पार्ट इज कि दोनों फ़ोन मेरे केस के साथ है यहाँ पे। यहाँ पे आपको फ़ोन को निकालने की जरूरत नहीं है, वो बेस्ट पार्ट है, बिकॉज बाकी जो वायरलेस चार्जर होते हैं बहुत बार वो थिक कवर्स को एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन यहाँ पे इट्स रेडी टू गो। वेल सर, ये था रीगर की तरफ से वायरलेस चार्जर। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको चार्जर पसंद आया होगा। चार्जर में इतना कुछ जानने को नहीं है, सिंपल प्लग एंड प्ले है और इतना कुछ इंस्टॉलेशन नहीं चाहिए। अगर आपका फ़ोन QI सर्टिफाइड है, वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करता है, तो यू कैन ईजिली गो अहेड विद दिस चार्जर। ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए बस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो लाइक कर देना एंड सी यू सून, बाय बाय।